Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the last chapter of chemotherapy, that is anti-cancerous drugs and their mechanism of action. These are the outlines of this chapter which we will deal. Now, first of all, what is cancer? Cancer is a disease characterized by uncontrolled multiplication and spread of abnormal forms of the body's own cells. Body ki khud ki hi cells mein uncontrolled multiplication hone lagta hai, fir wo abnormal form mein spread bhi hone lagti hai. Is bimari ko aap keh sakte hain uncontrolled ya unregulated division of cells ho raha hai, isi ko hum cancer kehte hain. Normal cell cancer cell mein turn ho jati hai, convert ho jati hai किसी न किसी म्यूटेशन की वजह से. उसके खुद के डीएनए में अगर म्यूटेशन आ जाए, एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन आने से नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है. ये म्यूटेशन इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. होता है या तो आपको आपके पेरेंट्स से मिला, या फिर हो सकता है आपने अपने लाइफ के दौरान ही एक्वायर किया था. कैंसर के अंदर काफ़ी सारे सीरीज पूरी एक चलती है जेनेटिक चेंजेस की, एपिजेनेटिक चेंजेस की. और मेन जेनेटिक लेजन्स जो हैं वो या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन से या ऑन्कोजीन्स के एक्टिवेशन से बनते हैं. देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो कैंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला ना जेनेटिक्स, एक्चुअली कैंसर की जेनेटिक्स ही होती है. हम जेनेटिक्स पैथोलॉजी में आपको चैप्टर खैर डिटेल में पढ़ाऊँगी, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि चार तरह के ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो हमारे अंदर कैंसर सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या उसको स्टॉप करते हैं या जो भी करो. फोर ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन, एपोप्टोटिक जीन और डीएनए रिपेयर जीन. यहाँ पर जिसमें दो का नाम दिया हुआ है. एंटी ऑन्कोजीन को अपन ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं. अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाए तो ट्यूमर जो हो रहा है उसको रोकने वाला वहाँ कोई नहीं होगा. और एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, जो मैंने फर्स्ट जीन बोला प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन अगर एक्टिवेट हो जाए तो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों एक्टिवेट हो जाता है? म्यूटेशन वगैरह की वजह से. तो फिर कैंसर सेल की ग्रोथ होने लगती है. कैंसर सेल की पहचान क्या है? उसमें एक तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, मतलब वो अपने नंबर को बढ़ाती जाएगी बिना कंट्रोल के. उसमें डी डिफ्रेंसीशन, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कैंसर सेल्स को, कर सकते ही नहीं है, पहचान में नहीं आती कौन सी सेल्स है. लॉस ऑफ फंक्शन, उसका वो अपना काम करना बंद कर देती है, अपना फंक्शन नहीं करती. इन्वेजिवनेस, आसपास के एरिया में फैलती है. मेटास्टासिस, दूर दूर के एरिया में फैलती हैं. तो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल इन चार पॉइंट्स की वजह से अलग होती हैं. ये सेल साइकिल जिसकी फेजेस आप जानते हैं, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज, जिसको अपन माइटोटिक फेज कहते हैं, सेल डिवीजन फेज कहते हैं, जिसके अंदर साइटोकाइनोसिस, कैरियोकाइनोसिस चलता है. इसके अंदर फेजेस टीलो फेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे इसकी फेजेस हैं. जी1 फेज में सेल ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जी2 फेज में माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होती है और फिर माइटोसिस होता है. ये सेल साइकिल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही सेल साइकिल है जो कि कैंसर में डिस्टर्ब्ड हो जाती है. और जो हम मेडिसिंस पढ़ेंगे वो इसी सेल साइकिल के ऊपर एक्ट करेंगी, इसलिए हमने पहले सेल साइकिल को देखा. ये वाला चार्ट बेटा रट्टा मार लो, क्योंकि ये चार्ट आपको एंटी कैंसर आए न आए उसमें तो काम आएगा ही, पर पैथोलॉजी में कैंसर के ऊपर क्वेश्चन बनता है जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसलिए वहाँ मैं आपको बताऊँगी, आपसे पूछूँगी कि क्या था वो चार्ट. देखिए, नॉर्मल सेल में अगर कोई एक्वायर्ड चेंजेस आ जाए, मान लो एनवायरमेंटल डीएनए डैमेजिंग एजेंट जैसे केमिकल्स हो गए, रेडिएशन हो गए, वायरसेस हो गए, ऐसे कुछ नॉर्मल सेल पर अटैक कर दे तो उसके डीएनए में डैमेज हो जाता है. और नॉर्मली सेल जो होती है वो सक्सेसफुली अपने डीएनए को रिपेयर करके वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है. पर अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाए तो सोमैटिक सेल के जीनोम में म्यूटेशन होगा, जिसका असर तीन जगहों पर पड़ेगा. देखिए, मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर चार जीन्स का नाम लिया था. सबसे पहला था प्रोटो ऑन्कोजीन, दूसरा था एंटी ट्यूमर जीन या एंटी ऑन्कोजीन, जिसको अपन सप्रेसर जीन भी कहते हैं, एपोप्टोटिक जीन और डीएनए रिपेयर जीन. चार जीन कौन कौन से थे? प्रोटो ऑन्कोजीन, सप्रेसर जीन या एंटी ऑन्कोजीन,
एपोप्टोटिक जीन और डीएनए रिपेयर जीन, ये चार जीन है। तो ऊपर मैंने कहा ना डीएनए रिपेयर फेल हो गया, मतलब डीएनए रिपेयर जीन फेल हो गया, तो पहला उस जीन का रोल स्टार्ट हुआ जिससे कि सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो गया। सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होते प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा एपोप्टोटिक जीन क्या करता है, सेल डेथ करवाता है। यहाँ एपोप्टोटिक जीन भी बेचारा बदल गया, ऑल्टर्ड हो गया, तो जिससे क्या है कि एपोप्टोसिस सही चलेगा नहीं, यानी सेल बन तो रही है ऑन्कोजीन की वजह से पर वो मर नहीं रही है। और तीसरा एंटी ऑन्कोजीन जिसको अपन ट्यूमर सप्रेशन जीन कह रहे हैं वो इनएक्टिवेट हो चुका है, मतलब जो ट्यूमर बन रहा है उसको रोकने के लिए जो जीन्स था वो जीन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इन सब का मिला जुला असर ये पड़ेगा कि ऑल्टर्ड जीन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे और रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर फाइनली क्लोनल एक्सपेंशन, मतलब जो जीन्स डिस्टर्ब होने की वजह से सेल की ग्रोथ हुई थी, सेल के क्लोन बने थे, वो क्लोन अब फैलने स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोन क्या होते हैं, उसी सेल के जैसे कि जैसे सेल्स बन रहे हो क्लोन हो गए। एडिशनल म्यूटेशन, उनमें और म्यूटेशंस होता रहता है, हेटरोजेनस जेनेटी आ जाती है उनके अंदर, और इसी से क्या हो जाता है कैंसर बनता है जिसको अपन नियोप्लाज्म कहते हैं, और ये फैलना स्टार्ट करता है तो उसको अपन मैलिग्नेंट कह देते हैं, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन गया। तो ये चार रट्टा मार लीजिए, पैथो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल कंपार्टमेंट्स, सॉलिड ट्यूमर्स के सेल कंपार्टमेंट तीन होते हैं, ए बी और सी। कंपार्टमेंट ए में सेल्स डिवाइड हो रही है, पॉसिबली कंटिन्यूसली सेल साइकिल में सेल डिवाइड होती रहती हैं। कंपार्टमेंट बी में रेस्टिंग सेल्स यानी जी जीरो फेज आती है, जहां पर कोई डिवीजन नहीं होता पर वो डिवीजन करने में पोटेंशियली एबल होती है। और कंपार्टमेंट सेल सी की जो सेल है जो लंबे समय तक डिवाइड नहीं हो पाती हैं पर ट्यूमर वॉल्यूम को बढ़ाने, और डिवाइड तो नहीं हो रही पर वो वहाँ पर मौजूद है तो ट्यूमर का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये तीन तरह के ट्यूमर के कंपार्टमेंट्स हैं। केवल कंपार्टमेंट ए ही की जो सेल्स हैं वो थोड़े बहुत कुछ सॉलिड ट्यूमर्स 5% तक सॉलिड ट्यूमर्स बनाती हैं, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ससेप्टेबल टू द मेन करंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के प्रति वो ससेप्टेबल भी होती है। विच अफेक्ट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ कैंसर सेल बायोलॉजी। और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स किस पर असर दिखाती है, सेल कैंसर की सेल बायोलॉजी यानी सेल डिवीजन पर अपना असर दिखाती है, यानी सेल डिवीजन को रोकती है। बहुत सारे केसेस के अंदर एंटी प्रोलीफरेटिव एक्शन जो है वो एस फेज सेल साइकिल की एस फेज के दौरान दिखाई देता है, जिसकी वजह से डीएनए में डैमेज हो जाता है और एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगा। एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, क्योंकि अधिकतर जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो कैसी नेचर की हमने बोली, एंटी प्रोलीफरेटिव है यानी सेल डिवीजन को रोक रही है। तो वो सेल डिवीजन को खाली कैंसर की सेल के डिवीजन को नहीं रोक रही, वो बल्कि नॉर्मल सेल के डिवीजन पर भी अपना असर दिखा रही है। इसी वजह से हमारा बोन मैरो भी डिप्रेस हो जाता है, हीलिंग भी हो नहीं पाती और हमारे बॉडी की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। और अधिकतर केसेस में नोजिया, वॉमिटिंग, पर्सन में स्टेरिलिटी, बालों का उड़ना, एलोपेशिया और टेराटोजेनेसिटी, ये कैंसर का ही टेराटोजेनेसिटी पार्ट है। इसीलिए आपने देखा है ना जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनके अंदर एलोपेशिया देखने को मिलता है, बाल उड़ जाते हैं, कॉमन फीचर है कैंसर पेशेंट्स को, कभी देखिए आप। अब एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखो, सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स भी होती हैं। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स को अपन CCS कह रहे हैं, ये प्रोलीफरेटिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, बहुत इफेक्टिव हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज के लिए ये इफेक्टिव होती हैं और सॉलिड ट्यूमर में इफेक्टिव होती है। और सॉलिड ट्यूमर्स मतलब जिसमें लार्ज प्रपोर्शन होता है सेल्स जो प्रोलीफरेट कर रही होती है उसका लार्ज प्रपोर्शन पाया जाता है, उसके ऊपर ये एक्ट करती हैं। जबकि CCNS ड्रग्स जो होती हैं वो जी जीरो फेज और साइक्लिंग सेल्स को किल कर देती हैं, हालांकि साइक्लिंग सेल्स पर इसका ज़्यादा असर होता है। और स्लो ग्रोइंग ट्यूमर में अपन इनका यूज़ करते हैं, जबकि वो रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर के अंदर अपन CCS का यूज़ करते हैं। अब CCS ड्रग्स और CCNS ड्रग्स के बारे में यहाँ बताया गया है भाई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं वो फेज स्पेसिफिसिटी अपनी शो करते हैं, G1 पे करती हैं जैसे स्टीरॉइड्स और एस्पारजिनेज, एस फेज के ऊपर एंटी मेटाबोलाइट्स एक्ट करती हैं, G2 के ऊपर ब्लियोमाइसिन और एटोपोसाइड एक्ट कर रही होती हैं, माइटोसिस के ऊपर विंका एल्कलॉइड्स और टैक्सन्स एक्ट करती हैं, और जो नॉन स्पेसिफिक फेज नॉन स्पेसिफिक है वो एल्कालेटिंग एजेंट्स है, नाइट्रोसो यूरियाज, एंटीबायोटिक्स, प्रोकार्बाजिन, डाकार्बाजिन और प्लैटिनम्स, ये इनको फेज से लेन देनी नहीं है। फेज तो ऊपर चार थी, उन चार के ऊपर हमने ड्रग्स पढ़ लिया, उसके अलावा जो ड्रग्स है वो ये हैं।
अब एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए, हम इनको 7 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे एंटी मेटाबोलाइट, जिसके अंदर 5 फ्लोरो यूरासिल वगैरह आता है, 6 MP6 मरकैप्टो यूरिन सेकेंड मोस्ट कॉमन ड्रग है, और मीथोट्रिक्जेट MTX कहते हैं, सबसे कॉमन ड्रग जो अपन कैंसर के पड़ते हैं वो मीथोट्रिक्जेट है MTX, और उसके बाद सेकेंड कॉमन ड्रग है 6 मरकैप्टो प्यूरिन 6 MP, 5 फ्लोरो यूरासिल वगैरह, तो ये सब एंटी मेटाबोलाइट्स है, बाकी के नाम आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी क्लास है एंटीबायोटिक्स, अपन इसके अंदर दे रहे होते हैं जैसे कि ब्लियोमाइसिन वगैरह। थर्ड है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ब्यूसल्फेन वगैरह दे रहे हैं इसके अंदर, स्ट्रेप्टोजोसन दे रहे हैं, तो ये ड्रग्स आ रही हैं, रिमेनिंग नाम आप पढ़ते रहिए। फोर्थ क्लास है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, जिसके अंदर डोकेटॉक्सिल ड्रग्स आ रही है। फिफ्थ क्लास है स्टीरॉयड हार्मोन्स और उनके एंटागोनिस्ट, जैसे कि लिट्रोजोल वगैरह, तो ये क्लास, इसके अंदर एस्ट्रोजन भी पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल जो अपन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं उसके फॉर्म्स अपन देखेंगे आगे के देते हैं ऐसी। नेक्स्ट क्लास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और लास्ट में अदर्स के अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ आ रही, तो जैसे इंटरफेरॉन्स इसके अंदर आएंगे, एस्परजिनेज आएंगे, सिस्प्लास्टिन आएगा, तो ये सारे हम इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो हम पढ़ेंगे, बाकी नाम आप पढ़ लीजिएगा, इन सब के एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है। अब इनमें सबसे पहले एल्काइलेटिंग एजेंट, कुछ केमिकल ग्रुप्स जो है वो क्रॉस ब्रिज कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं DNA के साथ और दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टांसेस के साथ में सेल में। एल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो कार्बोनियम आयन बनाते हैं जो कि एक कैटायन है, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल, अमाइन, हाइड्रोक्सिल, सल्फाइड्रिल, इनके साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। आप ऊपर वाला सीधा बोल दीजिए कि क्रॉस ब्रिज कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं DNA के साथ में दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टांसेस के साथ में। एल्काइलेशन जो है DNA के अंदर होता है मेनली N7 पोजीशन पे, गुआनिन के N7 पोजीशन पे ये एल्काइलेशन शो करता है। थोड़ा बहुत N1 पे, N3 पर भी दिखा देता है एडिनिन के, साइटोसिन के N3 पर, गुआनिन के 6 के ऊपर, यहाँ तक कि फॉस्फेट एटम्स और प्रोटीन्स भी जो है वो DNA साथ जुड़े होते तो रोल प्ले कर रहे हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड सबसे कॉमन ड्रग है इसकी। मैकेनिज्म एक्शन देखिए, एल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो रिएक्टिव कार्बोनियम आयन बनाते हैं और एल्किल ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक साइट पर, DNA के बेस के न्यूक्लियोफिलिक साइट पर एल्किल ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका असर ये होता है कि एक तो क्रॉस लिंकेज बन जाता है, एक एबनॉर्मल बेस पेनिंग बनती है, DNA स्ट्रैंड टूट जाता है और सेल प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। इसके अलावा एल्काइलेटिंग जो एजेंट्स हैं वो RNA और प्रोटीन को भी डैमेज कर देते हैं, तो इस तरह से उस सेल को, क्योंकि हम कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं यानी दवाइयों के थ्रू हम किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, और इस बीमारी में क्या हो रहा है, सेल नहीं बन रही, तो उन सेल को ख़त्म करना है, तो ये एल्काइलेशन सेल में सेल के DNA को तोड़ रहा है, RNA प्रोटीन को तोड़ रहा है, इससे सेल प्रोलिफरेशन रुक जाएगा यानी सेल डिवीज़न नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पर इस तरह से दिखाए गए गुआन की बॉन्ड बन रही है, तो बाई फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ये इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग बनाते हैं और क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं, तो इस तरह से वो DNA को डैमेज करते हैं, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए। दूसरे हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ये क्या करते हैं, DNA सिंथेसिस में एक या एक से ज़्यादा जो मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि फोलेट एंटागोनिस्ट जिसमें मीथोट्रिक्जेट आती है, मैंने बताया MTX सबसे कॉमन ड्रग है कैंसर की, सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली MTX। फोलेट जो होते हैं हमने पहले ही पढ़ रखा है, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और थाइमिडाइलेट को बनाने के काम आते हैं और DNA सिंथेसिस और सेल डिवीजन पर ये अपना ऑब्वियस काम आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत जरूरी है DNA सिंथेसिस के लिए फोलेट, हमने कई जगह पर ये चीज़ पढ़ ली है। मिथोट्रिक्जेट क्या कहते हैं, ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज DFR को इनहिबिट कर देगी, DFR को इनहिबिट कर दे, ड्राई हाइड्रोक्सी फोलेट रिडक्टेज, तो फोलेट बनेगा नहीं तो DNA सिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं होगा, नहीं अवेलेबल होगा DNA सिंथेसिस नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है वो फोलेट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है FH2 फिर FH4 में, FH4 जो है वो कोफैक्टर है
मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर वगैरह के लिए बस ठीक है, इतनी लैंग्वेज जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना ही कहिए कि ये चीज़ें ऐसे डैमेज करे, प्योरिन का सिंथेसिस नहीं होता जो कि डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं बनेगा तो फिर डीएनए कैसे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर दिखाया गया है फॉलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन पे जाकर के जुड़ता है, प्यूरिन में गुआनिन एडिनिन और पायरिमिडिन साइटोसिन थायमिन यूरैसिल है, ये सबके सब मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और सेल डिवीजन होगा, पर मीथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने देती, मतलब ये पाथवे रुक जाएगा यानी सेल माइटोसिस नहीं होगा। तो ये वाली लैंग्वेज आप नहीं भी लिखते हैं चलता है, ये सीधा चार्ट बना दीजिए, चार्ट अपने आप में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर भी ये पूरी डायग्रामेटिकली बनाया गया है, खुद से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाए बढ़िया बात है, नहीं तो अपनी ये वाली जो प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया चीज़ है, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा अच्छे से ही समझा रही है, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ये MTX मेथोट्रेक्सेट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था भाई, इसके अंदर फोलेट एंटागोनिस्ट पढ़ा था, हम एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग में, एंटी मेटाबोलाइट्स जिसमें अपन ने फोलेट एंटागोनिस्ट पढ़ लिया है। फोलेट एंटागोनिस्ट के बाद हम प्यूरिन एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सेकंड मोस्ट कॉमन ड्रग आ रही है 6MP 6-mercaptopurine जो कि प्यूरिन बायोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उनको रोक देती है और मेटाबोलाइट बना लेती है 6-methylmercaptopurine ribotide MMPR जो कि साइटोटॉक्सिन टॉक्सिक एक्शन रखता है यानी सेल के लिए टॉक्सिक होता है और ये डीएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर देगा। तो भाई डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट होते ही डीएनए सिंथेसिस कैसे होगा, डीएनए स्ट्रैंड को आगे बढ़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो ये इस तरह से रोक रहे हैं। प्यूरिन एंटागोनिस्ट कौन सी होती है, 6MP। अब पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में 5FU आती है, 5-fluoro-uracil, मैंने इन्हीं दवाइयों का नाम लिया था, क्लासिफिकेशन बताया था क्योंकि यही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, आप इनको याद रख लीजिए, बाकी सफिशिएंट है आपके लिए। ये थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देती है जिससे कि थाइमिडाइलेट सिंथेसिस नहीं हो पाता, साइट्राबिन डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। तो ये दोनों पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट है, कौन से दोनों, 5-fluoro-uracil और साइट्राबिन। थर्ड कैटेगरी है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स की, ये वाइडली यूज ग्रुप है ड्रग का जो कि डीएनए के ऊपर अपना डायरेक्ट एक्शन दिखाता है, ये हमारे को रेडियोथेरेपी के साथ नहीं देनी चाहिए, ऐसा रूल है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी का बर्डन बॉडी पे बढ़ जाता है जो अच्छा नहीं है। अब इसके अंदर सबसे पहले है डॉक्सोर्युबिसिन, ये डीएनए इंटरकैलेशन शो करती है, डॉक्सोर्युबिसिन डीएनए के साथ में जी बेसिस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कॉम्प्लेक्स बना देती है जिससे कि टोपो आइसोमेरेज सेकंड की एक्टिविटी रुक जाती है और सेल साइकिल बेचारे डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल वहीं ख़त्म हो जाएगी। टोपो आइसोमेरेज सेकंड जिसको अपन डीएनए गायरेज भी कहते हैं, ये डीएनए के सुपर कॉइलिंग को रोकता है, ये पहले भी आया था ना कि वो एंटन आ जाती है उसको काटने का काम करता है, जैसे ही सुपर कॉइल होएगा ये निकिंग कर देगा, निकिंग मतलब उसको काट देगा जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन आगे चल सके और उसके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन चल सके। पर यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज सेकंड ही रुक गया बेचारा, रुक गया तो डिवीजन कैसे होएगा, तो सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल डेथ कॉज हो जाएगी। ये दिखाया गया है डीएनए के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, देख लीजिएगा, सिंपल डायग्राम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है डैक्टिनोमाइसिन, ये डीएनए के माइनर ग्रुप में इंटरकैलेट करती है, डीएनए में दो ग्रुव्स होते हैं आपको पता है, एक मेजर ग्रुव और एक माइनर ग्रुव चौड़ाई के बेसिस के ऊपर, तो ये माइनर ग्रुव को इंटरकैलेट करती है कहाँ पर, बिटवीन एडजेसेंट गुआनोसिन साइटोसिन पेयर, गुआनोसिन साइटोसिन पेयर के बीच में जाके घुस जाती है, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट नहीं होने देती है जीन के अलोंग जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। डैक्टिनोमाइसिन किसको रोक रही है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही है जिससे कि मैसेंजर आरएनए पर भी असर पड़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और ये टोपो आइसोमेरेज सेकंड के ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट है ड्रग ब्लियोमाइसिन, मेटल किलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स का ग्रुप होती है ब्लियोमाइसिन और ये डीएनए को डिग्रेड कर देती है, डीएनए ब्लियोमाइसिन आयरन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे
ठीक है, ये लैंग्वेज इतनी नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बस ये सीधा कह रहे हैं कि चेन फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, ब्लियोमाइसिन G2 फेज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होती है, यानी दूसरी सेल्स पे भी अपना बुरा असर डालेगी। तो जो अपन लाइन पढ़ रहे डीएनए ब्लियोमाइसिन आयरन के कॉम्प्लेक्स की, तो ये ऐसे बताए गए कैसे ये आयरन आयन को कन्वर्ट कर रहा है और ये कैसे डीएनए को ब्रेक कर रहा है। देखो डायग्राम के अंदर ब्रेक हुआ हुआ डीएनए दिखाया गया है ना, हाइड्रोक्सी रेडिकल, सुपर ऑक्सल हाइड्रोक्सल रेडिकल्स बनते हैं जिससे कि डीएनए बेचारा टूट जाता है। अब प्लांट डेरिवेटिव्स देखिए भाई, ड्रग्स की कैटेगरी में नेक्स्ट है प्लांट डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे पहला है विंका एल्कलॉइड्स। ये मेडागास्कर पेरीविंकल प्लांट से डिराइव किया गया था। ये विन क्रिस्टन, विन ब्लास्टन और विंडेसन इसके प्रिंसिपल मेंबर्स हैं। ये ड्रग जो है वो ट्यूब्यूलिन से बाइंड होता है और माइक्रो ट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, जिससे कि डिवाइडिंग सेल्स में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होएगा और जो सेल डिवीज़न है वो मेटाफेज में ही अटक जाएगा, माइटोसिस की मेटाफेज में, क्योंकि माइटोसिस के मेटाफेज में प्रोसेस चलता है माइक्रोट्यूब्यूल वाला, तो मेटाफेज में रुक जाएगी यानी माइटोसिस पूरा होएगा ही नहीं। तो ये माइटोसिस में ही इफेक्टिव है ये ड्रग, ऑब्वियस ये पता चल ही रहा है कि ये ड्रग माइटोसिस में इफेक्टिव होती है। यहाँ पे दिखाया गया मेटाफेज में क्रोमोजोम में ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये ट्यूब्यूलिन मॉलिक्यूल्स है जो कि माइटोटिक स्पिंडल्स बनाता है। यहाँ पर हमने जैसे ये ड्रग दी विंका एल्कलॉइड, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स फेल टू पॉलीमराइज, या पॉलीमराइज हो ही नहीं रहे। देखो यहाँ पर तो कैसे अच्छे से गोल गोल सी चूड़ियाँ जैसी आपको दिखाई दे रही है, पर वहाँ पर वो पॉलीमराइज नहीं हो पा रहा है विंका एल्कलॉइड की वजह से। तो ये आगे फेज चलेगी नहीं, एना फेज यहीं रुक जाएगी, मेटाफेज से रुक गया एना फेज चलेगी नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्सन्स, जो कि ये ट्री के बाग से हमारे को मिली थी। ये भी माइक्रोट्यूबुल से बाइंड होती है और उसको फ्रीज कर देती है, पॉलीमराइज स्टेट में ही रोक देती है उसको, और विंका एल्कलॉइड के जैसे ही ये माइटोसिस को अरेस्ट कर देती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स जो है उनमें स्टीरॉयड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं मेलिग्नेंट सेल्स के अंदर, तो इनकी जो ग्रोथ है वो रोकी जा सकती है हॉर्मोन्स के द्वारा, उसके एक्शन को अपोज करके, बाई हॉर्मोन एंटागोनिस्ट और बाई एजेंट्स दैट इनहिबिट द एंडोजिनस हॉर्मोन सिंथेसिस। कि भाई आप उसके जो एंडोजिनस हॉर्मोन सिंथेसिस है वो रोक दो, या हॉर्मोन एंटागोनिस्ट दे दो, या कोई ऐसे एजेंट दो जो उसके सिंथेसिस को रोक रहे हैं। तो हॉर्मोन नहीं होगा तो हॉर्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर बनेगा ही नहीं बेचारा। हॉर्मोन उसके एनालॉग्स जो होते हैं वो इनहिबिटरी एक्शन दिखाते हैं टारगेट टिश्यू पर, अगर हम उसको ट्रीटमेंट के रूप में काम में लें। इस तरह का प्रोसीजर हालांकि बहुत रेयर इफेक्ट दिखाता है क्योर करने में, पर फिर भी कैंसर के सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब हॉर्मोन्स में अपन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सी ड्रग्स आती है, प्रिडनिसोलोन और डेक्समेथाजोन आती हैं। ये लिम्फोसाइट के प्रोलीफरेशन पर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है, लिम्फोसाइट को प्रोलीफरेट नहीं होने देती, इसलिए ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए अपन इन ड्रग्स को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है, इसके लैब में हमने इससे दूसरे हार्मोन्स डिराइव किए थे जैसे डाई इथाइल एस्टल बेस्ट्रॉल और इथाइनल एस्ट्राडायोल। ये क्लिनिकली बनाए गए पैलिएटिव ट्रीटमेंट है जिसमें एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेटिक ट्यूमर को ठीक करने के लिए अपन काम में ले रहे होते हैं। हालांकि आजकल GnRH एनालॉग से इसको रिप्लेस कर दिया गया है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। एस्ट्रोजन क्या कर देता था भाई, प्रोस्टेटिक टिश्यू की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता था, क्योंकि LH का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता था पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिससे कि टेस्टिस में एंड्रोजन का सिंथेसिस नहीं हो पाता था और ये ट्यूमर रुक जाता था। अब जो GnRH का एनालॉग्स है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज को रोकता है, और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो प्री मीनोपॉजल वेमेन हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हो या प्रोस्टेट कैंसर मेल में हो रहा हो, तो उनको रोकने के लिए अपन GnRH का आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजिएंट सर्ज जो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन की, वो पेशेंट्स दैट कैन अकर इन पेशेंट्स ट्रीटेड इन दिस वे फॉर प्रोस्टेट कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय एन एंटी एंड्रोजन सच एज साइपोट्रेरॉन दे करके हम जो है ये एक एंटी एंड्रोजन है, इसके थ्रू भी अपन जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रीशन है वो पेशेंट्स के अंदर उसको
हम ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर ऐसी कंडीशन देखी जा रही होती है, तो अपन इसका काफ़ी यूज़ आजकल कर रहे हैं। ये GNRH का पाथवे दिया हुआ है, ये पाथवे आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है टेस्ट एज ओवरीज के ऊपर कैसे हाइपोथैलेमस में से GNRH रिलीज़ हो रहा होता है, फिर LHFSH हो रहा है, फिर ये अपना अपना एक्शन दिखा रहे हैं। अब हार्मोन एंटागोनिस्ट, पहले हार्मोन पढ़े तो अब उसके एंटागोनिस्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें अपन फीमेल के लिए एंटी एस्ट्रोजन्स और मेल के लिए एंटी एंड्रोजन्स पढ़ेंगे। एंटी एस्ट्रोजन्स में आता है टेमोक्सिफेन, ये एंडोजिनस एस्ट्रोजन के साथ में कम्पीट करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर ये दोनों बाइंड होना चाहते हैं। कौन कौन? एक तो खुद एस्ट्रोजन और एक टेमोक्सिफेन। अगर टेमोक्सिफेन बाइंड हो गया तो वो ब्लॉक कर देगा एस्ट्रोजन के एक्शन, जो से वो प्रोलीफरेशन हो रहा है कहाँ पर, मैमेरी एपिथीलियम, तो ब्रेस्ट कैंसर में ये यूज़ की जाती है। एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड और बाइगैलियोटामाइड दी जाती है, अकेली भी दे सकते हैं इसको, कुछ कॉम्बिनेशंस में भी देख सकते हैं दूसरे एजेंट्स के साथ में प्रोस्टेट के ट्यूमर को ठीक करने के लिए। इसके अलावा फ्लेयर को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, गोनेडोरेलिन एनालॉग्स के साथ में अपन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए भी इसका काम, इसको काम में ले रहे होते हैं। नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैटेगरी है ड्रग्स की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नाम से पता चल रहा है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, एक जिसमें एक मॉलिकुलर टाइप जो है वो उससे अपन कल्चर करके हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं डिफाइंड टारगेट प्रोटीन्स पर, जो कैंसर सेल से प्रोड्यूस हुए हैं उन प्रोटीन्स के ऊपर ये एक्ट करेगी और उसको ख़त्म कर देगी। कुछ केसेस में ये एंटीबॉडी जो अपने टारगेट एक्टिवेट्स के ऊपर बाइंड होती है, जिसमें कि हॉर्स का इम्यून मैकेनिज्म पर असर पड़ता है, कैंसर सेल किल्ड हो जाती हैं कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस के द्वारा, या फिर वो जो किलर सेल्स द्वारा है वो सेल्स जो हैं वो कैंसर की सेल्स वो मर जाती हैं किलर सेल्स से, या उनको कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड लाइसिस आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पर आपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी में, आपको ये पूरा प्रोसेस पढ़ाया गया था। दूसरी जो होती हैं वो क्या करती हैं, भाई हमने ऊपर बोला एक तो क्या करती है, हाइब्रिडोमा सेल्स से अपन ने बनाई थी, ये प्रोटीन पर एक्ट कर रही हैं, एक किलर सेल्स के द्वारा या इम्यून मैकेनिज्म के द्वारा कैंसर सेल को किल कर देती हैं। तीसरी क्या करती हैं, ग्रोथ फैक्टर के साथ में अटैच होकर उसको इनएक्टिवेट कर देती है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पर, जो कैंसर सेल में ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जुड़ती हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि सर्वाइवल पाथवे रुक जाता है और एपोप्टोसिस उसका शुरू हो जाता है। एपोप्टोसिस मतलब वो सेल मरने लग जाती हैं, इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्ट कर रही हैं। इसमें अपन रिटुक्जिमैब पढ़ते हैं, ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, कुछ लिम्फोमा के टाइप्स को ट्रीट करने के लिए। ये बी लिम्फोसाइट्स को तोड़ देती हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल फॉर्मिंग CD20 प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देती हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स से जो रेजिस्टेंट सेल्स हैं, सेंसिटाइज रेजिस्टेंट सेल्स हैं, इट ऑल्सो सेंसिटाइज रेजिस्टेंट सेल्स, भाई कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जिनके ऊपर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स असर नहीं पड़ता, उनमें अगर आप ये रिटुक्जिमैब देंगे तो ये उन रेजिस्टेंट सेल्स को क्या कर देती है, सेंसिटाइज कर देती हैं, मतलब अब उनके ऊपर कीमोथेरेपेटिक एजेंट का असर पड़ेगा इस दवाई को लेने के बाद। तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ ना अंडरलाइन करके बताई हुई है, आपको भी एग्जाम में लिखते समय इसे अंडरलाइन करना है कि रेजिस्टेंट सेल को सेंसिटाइज्ड कर देती हैं। तो जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, वैसे हमारी सेल्स भी ऐसी होती है ढीठ सी, कैंसर की सेल्स के रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, तो कैंसर की जो हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं उस कीमोथेरेपी का असर ही नहीं पड़ता उन सेल्स के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी हैं। तो ये जो रिटुक्जिमैब है ये उन रेजिस्टेंट सेल को सेंसिटाइज बना देती है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के प्रति। नेक्स्ट है एलिम्ट्यूजुमैब, ये दूसरे तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि बी लिम्फोसाइट को लाइज कर रही है, जैसा कि रिटुक्जिमैब कर रही थी, और रेजिस्टेंट जो कैंसर सेल्स थी उनको भी ट्रीट करने के काम में आती हैं उसी की तरह एग्जैक्टली। लास्ट मिसिलेनियस एजेंट्स क्रिस्टन स्पेस, ये मिसिलेनियस एजेंट है जो कि एंजाइम एस्पारजिनेज से प्रिपेयर किया गया था, ये एस्पारजिन को एस्पार्टिक एसिड में तोड़ देता है, एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया में, जो कि ट्यूमर सेल के अगेंस्ट काफ़ी एक्टिव होते हैं। दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज एस्पारजिन, जिससे कि एस्पारजिन अब
बन नहीं पाता। और एक्सोजिनस सोर्स जो है, एस्पाजेनिक एक्सोजिनस सोर्स होता है सभी तरह के कैंसर का, तो सोर्स रुक गया, सोर्स रुक गया तो कैंसर कॉज आगे नहीं हो पाएगा। और इस ड्रग का जो है काफ़ी सिलेक्टिव एक्शन होता है, ये मिसेलिनियस एजेंट्स। तो ये सारी की सारी कैटेगरी हमने कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स की पढ़ ली हैं, वो कैसे एक्ट कर रही है हमने पढ़ा भाई। फेज स्पेसिफिक ड्रग्स भी होती है, नॉन फेज स्पेसिफिक ड्रग्स भी होती है। फेज स्पेसिफिक ड्रग्स क्या करती हैं, सेल साइकिल की चार जो फेजेस हैं उन पे अलग अलग पर अपना एक्शन दिखाती है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। और नॉन फेज वाली उनको सेल साइकिल से मतलब नहीं, वो अपना एक्शन अपने आप दिखाती रहेंगी। फिर हमने 7 कैटेगरी पढ़ी थी भाई, एंटी मेटाबोलाइट्स वगैरह पढ़ा था, एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ी थी, मिसेलिनियस एजेंट्स पढ़े हैं हमने, एल्काइलेशन पढ़ा है। तो ये सारे जो है कैंसर सेल्स की कैटेगरी है जो हमने पढ़ ली है। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, टॉपिक ही नहीं बल्कि ये पूरी पूरी यूनिट जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।